क्लास आई होप आप लोग सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रखते होंगे। क्लास सो क्लास हमने लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर करा था? चैप्टर नंबर 5 लाफ अ लिटिल। चैप्टर नंबर 5 लाफ अ लिटिल। सो क्लास हमने उसकी बैक एक्सरसाइज कर ली। आज हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। क्या करेंगे? क्वेश्चन एंड आंसर। क्लास सेकेंड क्लास में आपको वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड्स हमने कर ली, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे तो कराएंगे, साथ में मैं आपको फोटोज भी दे दूंगी, ठीक है? तो जिन बच्चों को फोटोज से टैली कर लेना, बोर्ड से आप नोट कर लेना क्लास। और वर्ड मीनिंग सबसे पहले आप कैसे काम करोगे, अपनी आंसर से पहले लिखोगे डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, देन क्वेश्चन आंसर, ठीक है? क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग में आपको फोटोज भी दे दूंगी और मैं आपको बोर्ड पे भी करा दूंगी, ठीक है सर? तो काम में गड़बड़ मत करना, सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड लिखना, नेक्स्ट पेज पे वर्ड मीनिंग लिखना, उसके नेक्स्ट पेज पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन एंड आंसर। ओके क्लास, नाउ लेट अस स्टार्ट। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कॉपी, अपनी अपनी कॉपी से निकालो क्लास। सेकेंड क्लास टेक आउट योर कॉपी, डेट डालो, चैप्टर नंबर 5 नाम का लिटिल, क्वेश्चन नंबर First, what should we do every day? हमें रोज क्या करना चाहिए? What should we do every day? हमें रोज क्या करना चाहिए क्लास? We should do work letter and play letter. We should work letter and play letter. Question number 2. How should we deal or हमें इस फ्रॉन वर्ड से फ्रॉन से कैसे डील करना चाहिए? आंसर, वी नेवर, कभी भी वी नेवर फील बैड अबाउट समथिंग। हमें कभी भी किसी की भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें कभी भी किसी की भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। What should we do every day? हमें रोज क्या करना चाहिए? We should do work little and play little. थोड़ा सा खेलो, थोड़ा सा खेलना चाहिए। How should we deal a problem? We should भी नहीं आएगा, should लगाना है, लगा लो ऐसे भी, ठीक है? We never feel bad about something. जब हम फ्रॉम से डील करेंगे तो हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। Write it down class in your copies. Handwriting should be neat and clean. Okay? Copies में नोट करो, फिर हम आगे करते हैं। Write it down, class. Thank you.
ओके क्लास, लिखा आप लोगों ने? राइट इट डाउन क्लास, देन वी विल डू नेक्स्ट.
Write it down, class. Write it down, class. What do you understand by the line "every cloud has a silver lining"? Means every bad situation does not last forever. कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रह सकती. Next is, what does the poet want to say through this poem? We should be always be happy in life. Okay, class. Likh lo, class. Fir hum next karte hain.
Write it down, class. Handwriting should be neat and clean. Done, class. Handwriting should be neat and clean. Okay, class, आगे लिखते हैं हम।
Write it down, class. Handwriting should be neat and clean.
ओके क्लास।